चतुर्दशी तिथि। ये त्योहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है, जिनको संसार के सर्वशक्तिमान और अनंत शक्ति के स्वामी माना जाता है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं और विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरा रहे। ये दिन विश्वास भक्ति और अच्छाई पर जीत का प्रतीक है। आप सोच रहे होंगे कि अनंत चतुर्दशी का नाम अनंत क्यों पड़ा। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। एक बार की बात है, सत्ययुग में एक राजा थे जिनका नाम था सुमंत। सुमंत की एक बेटी थी सुशीला, जो सुंदर और गुणी थी। सुशीला की शादी एक ऋषि के पुत्र कौंडिन्या से हुई थी। शादी के बाद एक दिन सुशीला और कौंडिन्या एक नदी के किनारे बैठे थे। तभी वहां पर से गुजर रहे संतों ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत रखने का सुझाव दिया। सुशीला ने व्रत की महिमा को समझा और व्रत रखने का निश्चय किया। उस दिन सुशीला ने व्रत की शुरुआत की और भगवान विष्णु की प्रार्थना में लीन हो गई। उन्होंने एक धग, जिसे हम अनंत सूत्र कहते हैं, लिया और उसे अपने दाहिने हाथ में बांधा। अनंत सूत्र में 14 गांठ होती है, जो 14 लोकों और भगवान विष्णु के अनंत रूपों का प्रतीक होती है। इस कहानी का असली रहस्य तब खुलता है जब कौंडिन्या को इस व्रत के बारे में पता चलता है। पहले तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक और धार्मिक रस्म है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसके महत्व का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि उनकी आर्थिक स्थिति और सुख शांति में काफी सुधार आने लगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कौंडिन्या का मन शंकित हो गया। उन्होंने सोचा कि क्या ये सच में भगवान विष्णु की कृपा है या सिर्फ एक योगायोग। अपने शक को दूर करने के लिए एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर अनंत सूत्र को तोड़ दिया और नदी में फेंक दिया। जिस दिन उन्होंने ये किया, उस दिन से उनके जीवन में परेशानियां बढ़ गई, धन का नाश होने लगा और घर में कलह मच गया। कौंडिन्या ने जब देखा कि उनके जीवन में इतनी समस्याएं आ रही है, तो उन्होंने समझ लिया कि ये सब अनंत सूत्र को तोड़ने के कारण हो रहा है। उन्होंने अपनी गलती को मान लिया और अपने दुख दूर करने के लिए नदी के किनारे पर वापस गए, जहां उन्होंने पहले अनंत सूत्र को फेंका था। वहां उन्होंने कई दिनों तक तप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। अंत में भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, तुमने मेरे अनंत रूप को नहीं समझा और अपने गुस्से में मेरे सूत्र को तोड़ दिया। अब अपने पापों का प्रश्चित करो और फिर से व्रत रखो, तभी तुम्हारे दुख दूर होंगे। कौंडिन्या ने इसके बाद व्रत रखा और उनका जीवन फिर से सुख और समृद्धि से भर गया। अब हम बात करते हैं अनंत चतुर्दशी के व्रत और उसके विधि की। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पवित्र हो और साफ सुथरे कपड़े पहने। फिर एक 5 रंग का धग यानी अनंत सूत्र लेकर उसमें 14 गांठ बांधे और भगवान विष्णु के सामने उसका संकल्प करें। इस सूत्र को फिर प्रसाद, फूल और सुपारी के साथ पूजा स्थल पर रखकर पूजा करें। व्रत रखा जाता है और दिन भर भगवान की भक्ति में समर्पित रहना होता है। शाम को अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांधना होता है और प्रार्थना करनी होती है कि भगवान विष्णु उन्हें अपने अनंत रूप की कृपा से आशीर्वाद दे। अनंत चतुर्दशी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गणेश विसर्जन। ये वही दिन होता है जब गणेश चतुर्थी के 10 दिन के उत्सव के बाद गणपति बापा को जल में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन एक प्रक्रिया है जो हमें संसारिक मोहमाया से मुक्ति के प्रतीक रूप में सिखाता है। लोग बेड उत्साह के साथ गणपति बापा को विदा करते हैं और ये दिन पूरे देश में भक्ति और उत्सव का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, ये थी अनंत चतुर्दशी की कहानी और इसका महत्व। ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें भक्ति और श्रद्धा की शक्ति का एहसास दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उनका हल सिर्फ विश्वास और भक्ति में छुपा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।